नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। अपना उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। शामली में मेरठ जोन के एडीजी डीके ठाकुर ने पुलिस अधिकारियों की बैठक ली, जिसमें लोकसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की गई और इस दौरान उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराना है और इसी के लिए अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए और साथ ही बता दें कि चुनाव में खलल डालने की कोशिश करने वालों को चिन्हित करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। वहीं बता दें कि हरियाणा बॉर्डर और जिले के अंदर वाहनों के नियमित रूप से चेकिंग की जाए और इसके साथ चुनाव के दौरान विवादों में शामिल लोगों पर नजर रखे जाने के निर्देश भी दिए गए और इस बैठक में एसपी, एसएसपी, सभी सीओ और थाना प्रभारी समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। बता दें कि एडीजी ने की पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक और चुनाव की तैयारियों को लेकर समीक्षा की गई और साथ ही सभी को निर्देश दिए गए और एसपी, एसएसपी समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। एडीजी ने की अधिकारियों के साथ बैठक, चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की गई और साथ ही सभी अधिकारियों को निर्देश भी दिए गए। वहीं बैठक में एसपी, एसएसपी समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। श्री ज्योतिर्मठ बद्रिकाश्रम हिमालय के पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी मिश्री और अविमुक्तेश्वर आनंद सरस्वती महाराज ने गोरखनाथ मंदिर में शिव पूजा अर्चना की और महायोगी गुरु गोरखनाथ के दर्शन पूजन किए। बता दें कि गोरखपुर की तस्वीरें हैं जहां पर गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की गई। बता दें कि जगत गुरु शंकराचार्य ने पूजा अर्चना की और गोरखनाथ मंदिर में बता दें कि पूजा अर्चना की गई। देख सकते हैं आप तस्वीरों में कि जगत गुरु शंकराचार्य जी विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर रहे हैं, फूल मालाएं चढ़ाई गई हैं और गुरु गोरखनाथ का आशीर्वाद ले रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रालोद प्रमुख चौधरी जयंत सिंह बागपत पहुंचे, जहां सीएम योगी ने जनसभा को संबोधित किया। क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। भारत माता की, भाई ये बागपत की आवाज नहीं है, बागपत की आवाज में बोले थोड़ा, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के संयुक्त प्रत्याशी के समर्थन में आयोजित आज की सभा में राष्ट्रीय लोकदल के प्रमुख माननीय चौधरी जयंत जी, लोकप्रिय सांसद डॉक्टर सत्यपाल सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के संयुक्त प्रत्याशी डॉक्टर राजकुमार सांगवान जी, जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी वेदपाल उपाध्याय जी, जिला प्रभारी चंद्रमोहन जी, लोकसभा के प्रभारी डॉक्टर अशोक नागर जी, लोकसभा के संयोजक पूर्व विधायक श्री जितेंद्र सत्वाई जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्रीगण,
श्री कपिल देव अग्रवाल जी, जसवंत सैनी जी, केपी मलिक जी, स्थानीय विधायक योगेश भामा जी, हमारे सभी माननीय विधायकगण, भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के हमारे सभी पदाधिकारीगण और उपस्थित बहनों और भाइयों, आज मुझे भारत माता के महान सपूत पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी की इस पावन धरा पर आने का सौभाग्य एक बार फिर से प्राप्त हुआ है। महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और अपनी पौराणिक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के लिए विख्यात इस पावन धरा को नमन करते हुए चौधरी साहब के इसी चरणों में मैं विनम्र श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूं। बहनों और भाइयों, इस बार हमारे लिए ये चुनाव और भी महत्व का हो जाता है, क्योंकि पहली बार किसानों के मसीहा के रूप में चौधरी चरण सिंह जी को भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न प्राप्त हुआ है। चौधरी साहब को यह सम्मान प्राप्त होना न केवल कोटि कोटि अन्नदाता किसानों का सम्मान है, बल्कि हम सब उत्तर प्रदेश वासियों का गौरव भी है। और इसीलिए जहां मैं इसके लिए चौधरी चरण सिंह जी को नमन करता हूं, वहीं प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने चौधरी साहब के उन मूल्यों और उन आदर्शों को ध्यान में रख करके देश के अन्नदाता किसानों को भारत के राजनीतिक एजेंडे का हिस्सा बनाया और आज प्रभावी ढंग से उन योजनाओं का क्रियान्वयन न केवल देश के अंदर भारत सरकार के द्वारा, बल्कि उत्तर प्रदेश के अंदर भी हम प्रभावी ढंग से लागू करने में सफल हो रहे हैं। बहनों और भाइयों, ये बागपत की भूमि है। अभी राष्ट्रीय लोकदल के हमारे प्रमुख जयंत चौधरी जी कह रहे थे कि चुनाव अभी थोड़ा और उत्साहपूर्ण मोड में आना चाहिए। वैसे यहां 26 अप्रैल को है, लेकिन मेरा यह मानना है कि बागपत का मतलब आज से चुनाव की गर्मी प्रारंभ हो जाएगी। ये बागपत है, इसके लिए तो महाभारत हुआ था, आप जान रहे हैं ना, भगवान हस्तिनापुर आए हैं और पांडवों का संदेशा लेकर आए हैं। आपने पंक्तियां भी सुनी होंगी जब भगवान ने हस्तिनापुर में कहा था कि देना हो तो आधा दो, लेकिन अगर इसमें भी कोई बाधा हो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। उन 5 गांवों में बागपत भी एक था। आज से 5000 वर्ष पहले और 5 गांव जिनमें बागपत एक गांव है, आज का जनपद है, प्रगतिशील जनपद है, विकास की मुख्य धारा के साथ जुड़ा हुआ जनपद है। ये वही जनपद है 5000 वर्ष पहले जहां से महाभारत की नींव तैयार होती है। उस समय भगवान को अपनी लीला दिखानी थी और अन्यायी और अत्याचारी ताकतों को उनकी हैसियत भी दिखानी थी, और उसका आधार बना था बागपत। बहनों और भाइयों, दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, तो स्वाभाविक रूप से वह तो होना ही था। आज देश प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में
दुनिया की एक बड़ी ताकत बनने की ओर अग्रसर है। और निसंदेह पिछले 10 वर्ष में मोदी जी ने देश के लिए जो कुछ किया वह किसी से छुपा हुआ नहीं है। हम लोग जो कुछ भी यहां करने में सफल हुए, यहां के लोकप्रिय सांसद डॉक्टर सतपाल सिंह जी जब यहां पे विकास की बात करने के लिए आए, पहली बार जब मैं मुख्यमंत्री बना तो तुरंत वहां टपक पड़े। मैंने कहा अभी तो सरकार बनी ही है। इन्होंने कहा इसीलिए मैं सबसे पहले आया हूं क्योंकि दिल्ली के सबसे नजदीक रहता हूं, और दिल्ली के सबसे नजदीक रहने के बाद, मुंबई देखने के बाद जब मैं अपने बागपत की तुलना करता हूं तो मुझे लगता है कि मैंने पूरा जीवन महाराष्ट्र में, मुंबई में, नागपुर में, पुणे में व्यतीत तो किया लेकिन बागपत के लिए कुछ कर नहीं पाया। एक अवसर मिला है, वहां की जनता जनार्दन ने मोदी जी की कृपा से एक अवसर दिया है, मैं एक बार वहां कुछ करना चाहता हूं। और बहनों और भाइयों, जो भी प्रस्ताव यहां के सांसद और यहां के विधायकों ने मेरे सामने रखा विकास के लिए, प्रदेश से होना था तो प्रदेश से और नहीं तो केंद्र के पास भेजने में कोई देर नहीं लगाई, 24 घंटे ज्यादा समय नहीं लगाते थे। और आज उसका परिणाम है, जब मैं बागपत को देखता हूं, यहां के विकास को देखता हूं, मुझे चौधरी चरण सिंह जी के प्रति श्रद्धा का भाव जागृत होता है कि कितना बड़ा महापुरुष था जिन्होंने बागपत को बागपत बना करके अपनी कर्मभूमि के रूप में सिंचित किया था। आज हमें भी उस धरती के बारे में कुछ करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। बहनों और भाइयों, विकास की इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए, आस्था के संगम को आगे बढ़ाने के लिए आज मुझे भी अच्छा लगता है जब बागपत का नौजवान उत्तर प्रदेश सरकार की सरकारी सेवा में स्थान प्राप्त करता है। नहीं तो यहां का नौजवान सड़कों पर दौड़ता रह जाता था और जब भर्ती की नौबत आती थी उसको छटनी करके बाहर कर दिया जाता था। हमने कहा यह नहीं हो पाएगा। मैं तो देख के बौचक था जब मैं यहां बागपत में आया था, 18 में एक ही गांव के 27 नौजवान भर्ती हुए थे, 27 नौजवान पुलिस की, उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती में। ये चीजें दिखाती है कि जब ईमानदारी से कोई कार्य करो तो उसके परिणाम भी उसी प्रभावी ढंग से हम सबको देखने को मिलेंगे। आज बागपत में इंफ्रास्ट्रक्चर का अपना कार्य है, हाईवे का है, एक से एक बढ़कर के हाईवे बने, एक नहीं, दो नहीं, पांच पांच हाईवे से बागपत जनपद जुड़ा है। चौधरी चरण सिंह जी की कर्म भूमि की रमाला चीनी मिल एक नए रूप में हम सबको एक नया दर्शन कराता है विकास का। हर घर नल की योजना प्रभावी ढंग से लागू हो रही है। गन्ना किसानों के गन्ना मूल्य का भुगतान, और वहां भी हम लोगों ने तय किया है धीरे धीरे करके लगाम कसने की कार्रवाई जिस स्तर पर हो रही है। बहनों और भाइयों, अब 5 साल और 10 साल इंतजार नहीं करना है, उसी वर्ष, और अब तो 120 में से 105 चीनी मिलों को वहां तक पहुंचा दिए हैं, जो 10 दिन नहीं मात्र 1 सप्ताह के अंदर गन्ना मूल्य का भुगतान कर रहे हैं, बाकी 15 चीनी मिलों की पेंच कसे जा रहे हैं। क्या हाल में इसको 10 दिन के अंदर लेकर के चलिए। बहनों भाइयों, बिना विकास के हम वर्तमान को और भावी पीढ़ी को उज्जवल भविष्य नहीं दे सकते, और इसके लिए आवश्यक है कि राष्ट्रीय लोकदल का नल हो और भारतीय जनता पार्टी का कमल हो। मोदी जी ने 10 वर्ष में देश की कायाकल्प कर दी, एक नए भारत का दर्शन हो रहा है, भारत का दुनिया में सम्मान बढ़ा है। आज दुनिया के अंदर कोई भारतीय जाता है, मोदी जी जाते हैं, मोदी जी का तो सम्मान होता ही है, लेकिन कोई भी भारतीय दुनिया के अंदर जाएगा बड़े सम्मान के साथ लोग उसके प्रति कहते हैं क्या आप भारत से आए हैं। अब भारतीयों के प्रति लोगों के मन में सम्मान का भाव बढ़ा है, सीमाएं सुरक्षित हुई हैं, नक्सलवाद समाप्त हुआ है, देश के अंदर आतंकवाद और नक्सलवाद समाप्त हुआ है, अराजकता समाप्त हुई है, गुंडागर्दी समाप्त हुई है, बहन और बेटी सुरक्षित हुई है,
व्यापारी सुरक्षित हुआ है और व्यापार तेजी के साथ आगे बढ़ा है, निवेश का एक नया माहौल बना है और निवेश के इस माहौल को तेजी के साथ आगे बढ़ाने के लिए आज हम सब आपके पास आए हैं कि भारतीय जनता पार्टी और लोकदल ने मिलकर के एक योग्य प्रत्याशी आपके बीच में दिया है डॉक्टर राजकुमार सांगवान के रूप में। बहनों और भाइयों, मैं धन्यवाद दूंगा जयंत चौधरी जी को, उन्होंने एक सामान्य कार्यकर्ता को। बहनों भाइयों, एक सामान्य कार्यकर्ता को, एक सामान्य व्यक्ति को, क्योंकि जब निवेश जब उनके पास एनओसी की बात आई थी तो उनके पास एनओसी के लिए तो कुछ भी नहीं था, क्योंकि उनके पास पहले से कुछ था ही नहीं। उन्होंने कहा साहब मैं तो ऊपर से नीचे एनओसी ही हूं, यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट वो ऊपर से नीचे तक है। और उन्होंने पूरा जीवन उन मूल्यों के लिए जिया था जिन मूल्यों के लिए चौधरी चरण सिंह जी ने अपना जीवन जिया था। और बहनों और भाइयों, आज उसी के लिए मैं आपसे आह्वान करने के लिए आया हूं। पूरे देश के अंदर जो आवाज बनी हुई है, कोई सोचता था कि ये कार्य होंगे? कोई सोचता था? कोई नहीं सोचता था, लेकिन आज जो कार्य हुआ है। और इसीलिए मैं भाजपा वासियों से कहूंगा, चुनाव की गर्मी पैदा कर दीजिए एक बार फिर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश से, और तय कर दीजिए फिर एक बार मोदी सरकार, फिर एक बार मोदी सरकार। और मोदी सरकार के लिए डॉक्टर राजकुमार सांगवान जी को बागपत से भारी बहुमत से जीतने की आवश्यकता है। सहमत हैं सभी लोग? सहमत हैं? चुनाव जिता करके भेजेंगे, घर घर जाएंगे। चुनाव के दौरान ये उम्मीद करना कि प्रत्याशी घर घर जाए कठिन होगा, गांव गांव जाए ये भी कठिन होगा, क्योंकि 5 बड़ी बड़ी विधानसभाएं हैं और यह विधान यह 3 जनपदों में फैला हुआ है, मेरठ भी है, हापुड़ भी है और बागपत भी है। तो 3 जनपदों में फैला हुआ लोकसभा है, तो इसलिए प्रत्याशी घर घर नहीं जा पाएगा। आपको ही कार्यकर्ता प्रत्याशी के रूप में मोदी जी का प्रतिनिधि बनकर के और राजकुमार सांगवान बनकर के घर घर जाना होगा। सहमत हैं सभी लोग? सहमत हैं? जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी और लोकदल के कार्यकर्ता परस्पर समन्वय बना करके एक एक बूथ पर मोदी जी को जिताने के संकल्प के साथ आगे बढ़ेंगे। सभी लोग सहमत हैं? तो आपसे यही अपील करूंगा कि बहनों और भाइयों, विकास की जो गंगा बह रही है यमुना मैया के साथ साथ, गंगा मैया भी विकास के रूप में आपके यहां वह थमने नहीं पाएगी। और विकास की इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए और जिस प्रक्रिया को मोदी जी ने, केंद्र की सरकार ने, राज्य की सरकार ने आगे बढ़ाया है, जिसे स्थानीय स्तर पर सांसद जी ने, विधायकों ने आगे बढ़ाया है, उसी क्रम को आगे बढ़ाने के लिए आज मैं डॉक्टर राजकुमार सांगवान के समर्थन में आपसे अपील करने के लिए आया हूं। और आप सबसे मेरी अपील होगी, डॉक्टर राजकुमार सांगवान जी को नल पे भारी बहुमत से विजयी बनाने के लिए हम सब प्राणपण से जुटें। 26 अप्रैल को जब चुनाव होंगे तो सबसे पहला काम, पहले मतदान के लिए आप जाएंगे ना? सभी लोग सहमत हैं? चुनाव चिन्ह क्या है? नल। और 26 अप्रैल तक गर्मी चढ़ चुकी होगी, तब तक नल की आवश्यकता और महसूस हो रही होगी। इसलिए बहनों और भाइयों, भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय लोकदल के प्रत्याशी को विजयी बनाने के लिए आप सब जुटेंगे, इस विश्वास के साथ मैं आज के इस अवसर पर आप सबका आह्वान करूंगा कि हम सब मिलकर के राजकुमार सांगवान बनकर के घर घर गांव गांव जाएंगे और उन्हें विजयी बनाने में अपना योगदान देंगे। आप सबके इस अभियान के प्रति मेरी शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद। राम राम जी। सबसे पहले
चौधरी चरण सिंह जी के कर्म भूमि पे आज हमारे बीच अपना समय निकालकर आए तेजस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का आपकी तरफ से स्वागत करता हूं। मंचासीन हमारे बीजेपी और लोकदल के वरिष्ठ नेतागण, पूर्व सांसद सतपाल जी, सांसद जी कह रहे, और हमारे बागपत लोकसभा क्षेत्र के सभी विधायकगण, बीजेपी के सम्मानित जिलाध्यक्ष जी, हमारे कपिल देव अग्रवाल जी, सैनी जी, दूर दूर से आए और चुनाव की कमान को संभाल रहे बीजेपी के वरिष्ठ पदाधिकारी, क्योंकि हमने अनुभव किया है लोकदल का चुनाव लड़ने का तरीका कुछ अलग रहता है। अब बीजेपी के साथ हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, बहुत मेहनत बीजेपी के वरिष्ठ नेता कर रहे हैं और एक संतुलित प्रचार अभियान आपने चलाया, तो मैं मंच के माध्यम से आपको धन्यवाद और बधाई देता हूं। आपका बहुत बड़ा योगदान बीजेपी के कार्यकर्ताओं का आज के कार्यक्रम में भी है और हम सबको सीखने का अवसर मिल रहा। आज हमारी साझी लड़ाई है, ये साझा मंच है और देश के लिए हम लोग एक हुए। मैंने हमेशा सीखा, चौधरी अजीत सिंह जी को बहुत करीब से आपने देखा है, उनके निर्णय को आप बेहतर समझते थे, उनके हर फैसले को निभाने में आपने कभी कोई कसर नहीं छोड़ी। बागपत के लोग उन पर विश्वास करते थे, उस विश्वास के साथ चौधरी अजीत सिंह जी फैसले लिया करते थे। और मैंने ये देखा हर मोड़ पर अपने जीवन में, सामाजिक काम में, राजनीतिक फैसलों में उनका एक ही मापदंड होता था। वो ये चाहते थे कि मेरे इस फैसले और निर्णय से मेरे लोगों का क्या होगा, उनका भला होगा कि नहीं होगा, उसे मूल आधार बनाकर उन्होंने अपनी पार्टी भी चलाई और देश के रहते हुए पदों पर बड़े बड़े फैसले ले पाए। उनसे ये सीखते हुए मैंने भी निर्णय लिया कि हमें एनडीए को और मजबूती देनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो नारे दिए हैं, जो बात की है और जो काम किए हैं, उन कार्यों को और आगे बढ़ाने का हमें मौका और अवसर मिल रहा है। ऐतिहासिक तीसरी बार मैंडेट उन्होंने देश की जनता से मांगा है। रोज आप देखते हैं देश के किसी कोने में जाकर वो अपील कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और मेहनत का फल मीठा होगा। जिस प्रकार से बागपत का रटौल का आम मीठा है, उसी प्रकार से यहां का गुड़ अच्छा है, यहां की मिठाई है, यहां के लोगों का निराला अंदाज है। तो मुझे उम्मीद है कि बागपत भी उस संदेश से दूर नहीं रहेगा, और खास तौर से जब देश के प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से चौधरी चरण सिंह जी की एक नैतिकता लोगों को दिखाई देती, उनकी ईमानदारी लोगों को याद है, उसी प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने जब नारा दिया कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, बहुत लोगों को स्वाभाविक है मिर्ची लगी हो, लेकिन बागपत के लोगों को वो बात बेहद पसंद आई। और इसलिए आज आपके सामने जो आपके प्रत्याशी हैं, बात कहने की आसान होती है, करने और निभाने की जब खुद पे पड़ती है तो मुश्किल आती है, लेकिन मुझे गर्व है कि जिस उम्मीदवार का हमने आपके आशीर्वाद से चयन किया है, डॉक्टर राजकुमार सांगवान, वही बात उन्होंने आज मेरे सामने और मुख्यमंत्री जी के सामने कह दी कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। बताओ फिर और क्या चाहिए। हमने जो सीखा है, चौधरी चरण सिंह जी कहते थे कि मतदाता को क्या करना है, मतदाता का धर्म क्या है वो देखे, मेरे नेता की और मेरे उम्मीदवार की नैतिकता क्या है, नीतियां क्या हैं, नियत साफ है कि नहीं। तो आपको मुझ पे नजर रखनी है, डॉक्टर सांगवान जी पे नजर रखनी है, एक तरफ योगी जी पे नजर डालनी है और दूसरी तरफ विश्वास करना है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पे विश्वास करना है।
नियत हो और नीति हो साथ दिखाई दे रही है कि नहीं दे रही है। सुस्त हो, पहली मीटिंग है सुबह की, सुस्ती निकालो। थक गए क्या? दिख रही है नियत और नीति, और बाकी जो कसर होगी, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री बहुत तेजी से बातों को समझते हैं और निर्णय लेते हैं। हम लोग तो विपक्ष में भी रहे, हमने देखा कुछ बातें विपक्ष में रह के हम बोल नहीं सकते, अब जो साथ आ गए तो कह सकते हैं, देर नहीं लगाते। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, नमस्कार।